स्वागत है आप सभी का आयुष बैंकिंग क्लासेस में। और आज हम एक नया चैप्टर सिटिंग अरेंजमेंट लेके आए हुए हैं, जो कि रेलवे और बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पिछले बार के एनटीपीसी में, रेलवे के एनटीपीसी में सिटिंग अरेंजमेंट के एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिला था, और आशा करता हूँ कि इस बार के शिफ्ट में दो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए आज हम सीटिंग अरेंजमेंट की क्लासेस बेसिक से शुरू करते हैं और धीरे धीरे हम इसको हाई तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट को हम लोग शुरू करने से पहले हम ये जान लें कि सीटिंग अरेंजमेंट होता क्या है। इसमें जैसे कि दिया हुआ है क्वेश्चन, मान लीजिए कि ए बी सी डी ई एफ, इसमें 8, 7, 6 आदमी या फिर उससे ज़्यादा भी आदमी दे सकते हैं, जो कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं या केंद्र की बाहर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, और हमें इस प्रकार उसे सजाना पड़ता है कि मेरा पूरा क्वेश्चन के अनुसार वो पूरा फिट हो जाए। तो चलिए हम इसको पढ़ के समझते हैं और फिर उस तरह से हम सॉल्व करेंगे। देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह किए एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब ये 8 आदमी जो हैं वो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। एफ डी के तुरंत दाएं और ए के बाएं तीसरा बैठा है। जी डी के बाएं तीसरा बैठा है, जो ई के पास नहीं बैठा है। बी जी के पास बैठा है किंतु डी के पास नहीं। सी डी या ए के पास नहीं बैठा है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को पढ़ने में तो थोड़ा सा लगता है कि कैसा क्वेश्चन है, बहुत अटपटांग सा है, पर देखिए इसको हम लोग कंडीशन नोट करते हुए चलेंगे ना तो बहुत ही आसानी तरीका से हम लोग इसको बना सकते हैं। देखिए एक एक लाइन पढ़ते हैं और हम लोग उसका कंडीशन नोट करते चलते हैं। चलिए देखते हैं। ए बी सी डी जी और एच केंद्र की ओर मुंह किए एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। चलिए, एफ डी के तुरंत दाएं, मतलब देखिए एफ जो है वो डी के तुरंत दाएं, तो डी के दाएं, देखिए ये एरो हम इधर दे रहे हैं तो ये दाहिने तरफ जा रहा है, इसलिए ये दाहिने तरफ बैठे, मतलब तुरंत दाएं, इसको हम एक कंडीशन इसे नोट कर लेते हैं। एफ डी के तुरंत दाएं और ये जो और है, ये और मेरा सबसे पहला वाला को डिनोट करता है, ठीक है। ये और जहाँ पे लिखा होगा उस लाइन का सबसे पहला वाला लेटर को डिनोट करता है, यानी और ए के बाएं तीसरा बैठा है। मतलब एफ जो है ए के बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट, एफ के बाएं तीसरा बैठा है। एफ जो है एफ और ए के बाएं तीसरा बैठा है, मतलब ए के थर्ड लेफ्ट में। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक लेफ्ट, दो लेफ्ट और तीसरा लेफ्ट में हम एफ को ऐसे बैठा देंगे और हम इसको ऐसे घेर देंगे ताकि हमें यहाँ पे मिक्सअप ना हो जाए, हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब अगले लाइन को पढ़ते हैं। चलिए, जी डी के बाएं तीसरा बैठा है, यहीं तक पढ़ते हैं। जी जो है वो डी के दाहिने तीसरा बैठा हुआ है, तो क्या करते हैं हम इसमें भी कंडीशन नोट कर लेते हैं। जी जो है वो डी के बाएं, और सॉरी, जी डी के बाएं तीसरा बैठा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, डी के बाएं तीसरा, एक दो और यहाँ पे जी को हम नोट करते हैं। जो जैसे उसमें और दिया हुआ रहता है तो हम शुरू का लेटर लेते हैं, और उसी तरह अगर जो दिया रहेगा तो वो हम सेकंड वाला लेटर लेते हैं, जो मतलब जो डी को नोट करेगा सेकंड वाले को। तो हम इसमें क्या करें, जो ई के पास नहीं बैठा है, मतलब डी जो है वो ई के पास नहीं बैठेगा, यानी हम क्या करेंगे, डी और डी के बगल में ई नहीं बैठेगा, और हम इसको ऐसे काट देंगे। मतलब इसका मतलब क्या है कि डी के बगल में ई दोनों साइड नहीं बैठा है। अब चलिए अगले लाइन को पढ़ते हैं। बी जी के पास बैठा है, यानी बी और जी साथ में बैठे हैं। अब ये नहीं पता कि जी इस साइड बैठा है कि जी इस साइड बैठा है, इसलिए हम कंडीशन में हम दोनों साइड नोट कर लेंगे कि दोनों साइड में किसी साइड पर बैठ सकता है, किंतु डी के पास नहीं है। देखिए ई के पास, बी जो है वो जी के पास बैठा है किंतु डी के पास नहीं है, यानी बी जो है जी के पास बैठा है लेकिन डी के पास नहीं बैठेगा, यानी बी मेरा डी के पास नहीं बैठेगा, यानी डी, और यहाँ पे हम इसको ऐसे काट देंगे, यानी डी के पास बी नहीं बैठेगा। सी डी या ए के पास नहीं बैठा है, मतलब जो सी जो है वो डी के साथ भी नहीं बैठेगा और ए के पास भी नहीं बैठेगा, यानी ए को भी हम यहाँ पे ऐसे काट देते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने इसका पूरा संक्षेप रूप हम इस तरह से इसको डिनोट करके लिख लें। अब हमें क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं है,
अब हम क्वेश्चन को हटा देते हैं और सीधे हम कंडीशन को पढ़ेंगे, और कंडीशन को पढ़ के हम इसको नोट करते हुए चलेंगे। तो चलिए हम इसमें एक फिगर बना लेते हैं। देखिए आठ पीपल है तो हम आठ आदमी को कर लेते हैं। हम हमेशा दो कंडीशन को लेके चलेंगे तो हमें बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये आठ हो गए। अब हम कंडीशन को पढ़ेंगे और नोट करेंगे। ऐसा कंडीशन हम चुनेंगे जो सारे को फिट करते, जैसे डी के बगल में एफ है दाहिने साइड में, एफ ए के दो छोड़ के एफ है लेफ्ट साइड में, तो हम लोग इसमें कंडीशन किसको चुने। अगर हम डी है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी डी है, फिर यहाँ जी है, मेरा जी का रिलेशन बन रहा है सबके साथ, इसलिए हम इस कंडीशन को सबसे पहले पिक करते हैं। तो डी के बाएं तीसरे पे जी बैठा है, तो हम इसको कहीं पर भी ले लें, जैसे कि डी के एक दो छोड़ के जी को हम यहाँ शिफ्ट करा दिए, और डी के बगल में यानी डी के दाहिने साइड में एफ बैठा है, ये कंडीशन हो गया। अब ये कंडीशन हो गया, इस कंडीशन को हम इसे काट देते हैं, ये वाली भी कंडीशन हो गई, इस वाली कंडीशन को भी हम काट दें। इसलिए काटते चलते क्योंकि हमें पता चलता है कि ये कंडीशन हो गई, अब हमें इस कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या हमारा मैच कर रहा है। देखिए जी के पास बी बैठा है, चाहे दोनों में से किधर भी साइड हो सकता है। अब देखिए जी को हम यहाँ पे बी पे नहीं बैठा सकते, दोनों साइड हमको ये नहीं पता कि हम इसको कहाँ पे बैठाएं। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक कंडीशन मेरा है, ए के बाएं तीसरे में एफ बैठा है। देखिए एफ यहाँ पे है, तो ए का अगर हम ए को यहाँ पे बैठाएंगे तो बाएं तीसरा में एक तो तीसरा में बैठेगा, यानी अगर हम ए को यहाँ पे बैठाएं तो एफ मेरा यहाँ पे बैठेगा। चलिए उसी तरह से हम इसमें भी कंडीशन में सेम सेम बनाते हैं, डी डी ए एफ। हम दो कंडीशन इसलिए बनाते हैं, कहीं पे दो कंडीशन में हमें किसी क्वेश्चन में ऐसे फंस जाते हैं कि ए को हम यहाँ पे लें कि ए को यहाँ पे लें, बगल में बैठा है, इसलिए हम दो कंडीशन को लेके बनाते हैं और साथ में बनाते चलते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं, तो इस कंडीशन मेरा हो गया, अब हम इस कंडीशन को भी ऐसे काट देंगे। अब देखिए इस कंडीशन को देखिए, जी बी के सामने बैठा है। अब देखिए जी यहाँ पर है, अब बी या तो यहाँ बैठ सकता था या फिर यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो जगह फुल हो गया इसलिए हम बी को यहाँ बैठाएंगे। चलिए इस कंडीशन में भी हम बी को यहाँ बैठाते हैं और इस कंडीशन को हम ऐसे काट देते हैं। अब देखिए बी मेरा डी के सामने नहीं बैठा है, देखिए बी तो डी के सामने नहीं बैठा है, तो चलिए इस कंडीशन को भी हम काट देते हैं। अब देखिए क्या बोला है अगला कंडीशन, मेरा डी के बगल में ई नहीं है, मतलब डी के बगल मेरा यहाँ पे ई नहीं आ सकता है, और डी के बगल में सी भी नहीं आ सकता है, मतलब यहाँ पे मेरा सी भी नहीं आ सकता है, और एक कंडीशन है सी के बगल में ए नहीं बैठा है, तो चलिए यहाँ पे मेरा सी नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे सी और ई नहीं आएगा, मेरे पास तीन जगह खाली है, एक दो और तीन, अगर यहाँ पे सी और ई नहीं आएगा दोनों में से, तो तीसरा जो बचा बचा कौन, मेरा एच बच गया, तो जो सी और ई यहाँ पे नहीं आएगा तो आएगा कौन बचा हुआ आदमी, यानी एच यहाँ पे आएगा और हम इसको काट देंगे, यानी एच मेरा यहाँ पे आएगा और इस कंडीशन को हम इसे काट देंगे और ई वाली कंडीशन को भी हम इसमें इसे काट देंगे। अब मेरे पास सिर्फ एक कंडीशन बचा कि ए के बगल में सी नहीं है, मतलब ए यहाँ है तो सी यहाँ नहीं होगा, तो सी कहाँ बैठेगा, बस एक ही कंडीशन मेरा सी के लिए बचा है, ये कंडीशन सी के लिए मेरा ये कंडीशन बचा, सी को हम यहाँ से काट देंगे और जो इसको भी हम काट देते, एक पार्टिसिपेंट मेरा जो बच गया वो केवल, अब देखते हैं हम क्या बचा, ए बी सी डी, अब मेरा ई बच गया, अब हम ई को यहाँ पे पुट कर देंगे और ये मतलब मेरा कंडीशन बन गया। ठीक है, तो चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, सी के संदर्भ में एच की स्थिति क्या है, मतलब सी के फिगर में जो सी के संदर्भ में एच की स्थिति, इसे आसानी बनाने के लिए हम बनाए हुए फिगर को हम यहाँ पे बना लिए हैं। देखिए ए ई सी एफ डी एच बी जी, ताकि हमें बार बार पेज पलटने की जरूरत ना पड़े। अब देखिए सी के संदर्भ में एच की स्थिति हमें निकालना है। अब सी के संदर्भ में, मतलब सी से हम एच को जानेंगे कि एच सी से किस डायरेक्शन में है, तो ये देखिए सी के किस डायरेक्शन में है, हम इसको पढ़ते हैं, बाएं दूसरा, बाएं दूसरा नहीं है मतलब ये नहीं होगा, दाएं चौथा, अब इससे हम दाहिने चौथा जाएंगे, वन टू थ्री फोर, यानी ये भी नहीं है मतलब ये भी नहीं बनेगा। देखिए बाएं तीसरा,
यानी बाएं तीसरा हम चलेंगे, एक दो तीन, मतलब बाएं तीसरा मेरा है, यानी ये फिगर मेरा ये सही हो गया। चलिए उसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जी और डी के बीच है? अब हम जी और डी के बीच देखेंगे कौन सा जोड़ा है। देखिए जी यहाँ है, जी और डी यहाँ है। अब जी और डी के बीच में जोड़ा कौन सा, जोड़ा मतलब दो दो का होता है, यानी बी और एच है जी और डी के बीच में, बी और एच। अब हम देखते हैं बी और एच कहाँ पर है इसमें, बी और एच या एच बी, दोनों में से हम कुछ भी हो सकता है, यानी ये मेरा सही हो गया। ठीक है, इसमें हमें पूछा है कि जी और डी के बीच में से जोड़ा कौन सा है, यानी बी और एच है, या तो हम इसको बी और एच बोलें या हम एच और बी बोलें। तो हमें आंसर में एच और बी दिया रहे या बी और एच दिया रहे, हम उसमें टिक करेंगे। चलिए इसी तरह से हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ए से आरंभ करते हुए आठों को दक्षिणावर्त में वर्णमाला के क्रम में रखा जाए तो किस सदस्य के बैठने की स्थिति ए को छोड़कर परिवर्तन नहीं होगा। मतलब क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि ए से हम शुरू करते हैं और दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब देखिए ये मेरा इस तरह से होता है, ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ ये साउथ, ये होता है पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। देखिए दक्षिण मेरा नीचे डायरेक्शन में होता है, यानी दक्षिणावर्त बोला है तो हम इस डायरेक्शन में लेंगे। अब देखिए यहाँ से दक्षिणावर्त डायरेक्शन मेरा इस डायरेक्शन में होगा। अब ए को छोड़ के हम सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पुट करेंगे। तो चलिए ए हो गया, तो यहाँ पे मेरा बी, यहाँ मेरा सी होगा, यहाँ डी होगा, यहाँ ई, यहाँ पे एफ, यहाँ जी, यहाँ एच। देखिए ये बोला, ये हुआ। अब बोला है क्वेश्चन में कि कौन सा वर्ड परिवर्तन नहीं होगा। देखिए जैसे यहाँ पे ई की जगह बी हो गया और सी की जगह सी ही हो गया, तो सी जो है वो मेरा परिवर्तन नहीं हुआ है। ए को छोड़ के बोला है यहाँ पे, तो ए होगा लेकिन यहाँ पे ए होगा लेकिन ए को छोड़ के बोला है, इसलिए हम ए को नहीं काउंट करेंगे। सी आ रहा है मेरा, इसलिए हम सी को काउंट करेंगे। देखिए और कोई तो आ रहा है क्या, एफ डी टी ई एफ जी, और कोई भी लेटर नहीं आ रहा, यानी केवल सी आ रहा है, तो इसलिए हम इसमें सी मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वृत्त के गिर्द बैठने की व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित पाँच से चार किसी प्रकार समान है, अतः उसका एक समूह बनता है, यह एक कौन सा है जो समूह में नहीं आता। मतलब कि देखिए ये जो मेरा आंसर में दिया हुआ है दो दो का, मतलब ये दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, इस दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? मतलब बाकी जो चार होगा उसका आपस में एक ही रिलेशन होगा जो सबका होगा, लेकिन उसमें से एक उत्तर जो होगा उसका रिलेशन दूसरा से अलग होगा। तो हम देखें एफ और एच का रिलेशन देखते हैं। चलिए इसको हम लोग काट देते हैं, एफ और एच का रिलेशन देखिए, एफ और एच, एफ और एच में देखिए बीच में एक पर्सन है एफ और एच में। फिर अगला देख लेते हैं जी और ई का। अब हम जी और ई का देखते हैं, जी और ई में भी बीच में एक ही पर्सन है। देखिए जी और ई में बीच में एक पर्सन है। अब हम देखते हैं सी और डी का। अब देखिए सी और डी, देखिए सी और डी में भी बीच में सिर्फ एक ही पर्सन है, अभी तक तो मेरा सब कुछ ठीक जा रहा है। अब देखिए यहाँ बी और जी, अब हम देखते हैं बी और जी बीच में कोई भी पर्सन नहीं है। देखिए इसमें मेरा क्या हो रहा है, बीच में कोई पर्सन नहीं है, मतलब ये अलग है। बाकी में क्या हो रहा है, सबके बीच में एक एक पर्सन बैठा हुआ है, लेकिन बी और जी के बीच में कोई भी पर्सन नहीं बैठा हुआ है, इसलिए मेरा बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो इसी तरह से हम सिटिंग अरेंजमेंट के बेसिक्स के पहला चैप्टर को हम लोग बना लिए हैं। अब हम धीरे धीरे थोड़े से लेवल को बढ़ाएंगे, और इस वीडियो में हमने शुरुआत के वीडियो को हिंदी में लिया है, पर जैसे जैसे वीडियो हम आगे बढ़ाएंगे हम धीरे धीरे इसको हम इंग्लिश में करते जाएंगे और हम समझाएंगे हिंदी में ही, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो ठीक है, इस वीडियो को बेसिक को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा।